नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है 1857 की क्रांति या रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका 1857 की क्रांति होने का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? अंग्रेजों की विदेशी नीतियां। क्या था? अंग्रेजों की क्या था? नीतियां था। अंग्ररेजों की जो नीतियां थी वो वही क्या है 1857 का क्रांति की कारण थी। लेकिन उसमें देखते प्रमुख जो कारण था 1857 की क्रांति होने का, जो प्रमुख कारण था वो कौन सा था? तो जो पहले उनके पास राइफल्स हुआ करती थी, उसके स्थान पे इनफील्ड राइफल्स का ले आना। अब इनफील्ड राइफल्स में क्या होता था? इसमें जो कारतूस लगती थी उसमें क्या है? गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी जिसको दांत से काटना पड़ता था। तो उसको काटने से हमारे सैनिकों ने क्या किया? विरोध किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रमुख कारण क्या था? कि जो इनफील्ड राइफल्स को ले आना, उसके विरोध में हमारे सैनिकों का क्या करना, उसका विरोध करना, ये पहली क्या एक तरह से कह लें पहला मेन कारण था 1857 की क्रांति का। अब देखते हैं दूसरा जो मेन कारण रहा वो क्या था? मंगल पांडे द्वारा 1857 ईस्वी को इस राइफल को ना चलाना, मीन्स इस राइफल का विरोध करना, जो राइफल था उसका क्या करना, विरोध करना और बाद में अपने ही एंजुएट को गोली मारना। मीन्स मंगल पांडे का था 28 मार्च 1857 को विरोध करना और अपने एंजुएट को गोली मारना, ये क्या है, ये इनका विरोध प्रदर्शित कर रहा था। और उसके एवज में इनको क्या कर दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को 28 मार्च 1857 में इन्होंने विरोध किया था और अपने ही एंजुएट ऑफिसर को क्या किया था, गोली मार दी थी। इसके एवज में इनको 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था, तो ये दो प्रमुख कारण थे, पहला कारण ये था, दूसरा कारण ये था। अब देखते हैं जो क्रांति की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो क्रांति की शुरुआत मेरठ के 20वीं बटालियन से क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ के 20वीं बटालियन से क्या होता है, क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ के 20वीं बटालियन से क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ पर 10 मई को लोग क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा कर लेते हैं और क्या है, बहादुर शाह जफर को अपना नेता नियुक्त करते हैं। तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो क्रांति की जो शुरुआत हुई वो मेरठ से हुई। इसलिए आज भी हम क्या है, मेरठ को क्रांति का नगर कहते हैं। मेरठ को क्रांति के नगर के नाम से जानते हैं। तो मेरठ के अलावा भारत के अन्य जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी क्रांतियाँ क्या है वो निकल करके आई, क्रांतिकारी उसमें लोगों का, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो उसमें कौन कौन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ केंद्र देखेंगे, यहाँ भारतीय नायक देखेंगे, यहाँ ब्रिटिश नायक देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली से हमारी जो नायक थे, भारतीय नायक कौन थे, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और कौन थे, जफर और बख्त खां थे। कौन थे,
बख्त खान, ये थे हमारे दिल्ली से बहादुर शाह जफर और ये लड़ रहे थे। और ब्रिटिश नायक इसको दबाने के लिए कौन कौन था, तो निक्सन एंड हडसन थे। कौन थे? निक्सन एवं हडसन थे। यानी दिल्ली में हमारा जो 1857 की क्रांति का मोर्चा संभाले हुए थे वो बहादुर शाह जफर थे और कौन थे? बख्त खान थे। और ब्रिटिश शासक जो थे वो क्या थे? ब्रिटिश शासक जो इसका विरोध कर रहे थे वो कौन थे? तो निक्सन एवं हडसन थे। अब देखते हैं कानपुर से कौन हमारे भारतीय नायक थे, तो नाना साहब और तात्या टोपे। कौन थे? नाना साहब तात्या टोपे। ये क्या है? कानपुर का मोर्चा संभाले हुए थे। यहाँ ब्रिटिश नायक कौन था? तो कैंपवेल। कौन था? कैंपवेल। ये ब्रिटिश नायक था, यानी वो जो विरोध था उसको दबाने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। किसको? कैंपवेल को। लखनऊ से कौन थे? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। कहाँ से थी? लखनऊ से। इसको भी दबाने के लिए किसकी जिम्मेदारी थी? तो कैंपवेल की। किसकी थी? तो कैंपवेल की थी। इसको भी दबाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो कैंपवेल की थी। अब देखते हैं झांसी की रानी, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई होती। कौन होती हैं? रानी लक्ष्मीबाई यहाँ का मोर्चा संभाले होती। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ का मोर्चा कहाँ का? झांसी का मोर्चा संभाले हुई थी। झांसी का मोर्चा कौन संभाले हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी का। और इनके जो दबाने ब्रिटिश जो नायक था वो कौन था? ह्यू रोज था। और इन्होंने क्या कहा था रानी लक्ष्मीबाई को? इन्होंने कहा था यह क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। इनके बारे में, झांसी की रानी के बारे में इन्होंने कहा एक अकेली मर्द कौन थी? तो एक अकेली मर्द झांसी की रानी थी। कौन कहा? ह्यू रोज ने झांसी की रानी के बारे में कहा। इलाहाबाद से कौन थे? तो इलाहाबाद से हमारा जो मोर्चा संभाले थे वो कौन थे? तो लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। और यहाँ इनका विरोध कौन कर रहा था? तो कर्नल नील था। और जगदीशपुर बिहार में कौन हमारा मोर्चा संभाले रहे थे? तो कौन संभाल रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह। यहाँ पे कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। और इनका जो विरोध कर रहे थे कौन थे? तो टेलर एवं विंसेंट आयर। क्या कर रहे थे? तो जगदीशपुर में ये क्रांति को दबा रहे थे, दबाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखते हैं फैजाबाद में कौन थे? तो मोहम्मद अहमदुल्ला थे। कौन थे? अहमदुल्ला थे। और इसको दबाने के लिए कौन था? तो रेनर्ड थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में जो क्रांतियाँ हुई उसमें भारत के नायक कौन थे और ब्रिटिश की तरफ से जो उस क्रांति को दबाने के लिए लाए गए थे तो वो ये लोग थे। भारत की तरफ से ये थे और ब्रिटिश की नायक की तरफ से कौन थे? तो ब्रिटिश की नायक की तरफ से ये लोग थे। तो इस प्रकार हम कह लें 1857 की जो क्रांति हुई और उसके नायक कौन थे, उसको दबाने वाले कौन थे, इसको हमने जान लिया। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, जो ये महान क्रांति हुई उसके बारे में इतिहासकारों ने अपने अपने कुछ वक्तव्य रखे हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो 1857 की क्रांति के बारे में यह कहा गया, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसको कौन कहा? तो बी डी सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? तो डिजराइली ने कहा। 1857 की क्रांति का है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। किसने कहा? तो सीले ने कहा कि यह जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति है, यह क्या है? पूर्णतः सिपाही विद्रोह थी। इसको सीले ने कहा था यह पूर्णतः क्या है? सिपाही विद्रोह है। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का विद्रोह है। यह किसने कहा था? जेम्स ऑटरम। कौन कहते? जेम्स ऑटरम
जेम्स आर्ट्रम और कौन कहते विलियम डब्लू टेलर, जेम्स आर्ट्रम और डब्लू टेलर और जेम्स आर्ट्रम ने 1857 की महान क्रांति के बारे में क्या कहा कि यह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक विद्रोह था, हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह कौन कहा तो डब्लू टेलर और इनसे डब्लू टेलर और जेम्स आर्ट्रम ने, जेम्स आर्ट्रम डब्लू टेलर ने ऐसा कहा। अब हम आगे देखते हैं कि यह क्रांति के बारे में इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, इस क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई तो 10 मई को मेरठ से होती है। 10 मई को कहाँ से होती है, मेरठ से इसकी क्रांति की शुरुआत होती है, मेरठ से इसकी क्रांति की शुरुआत होती है। और 12 मई को क्या करते हैं लोग, 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और इस 1857 की क्रांति के समय जो कौन था गवर्नर जनरल भारत का था, वो कैनिंग था। कौन था तो कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो कैनिंग था। और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे तो पार्मिस्टोन थे। पार्मिस्टोन किस पार्टी से थे तो लिबरल पार्टी से थे पार्मिस्टोन। तो 1857 की क्रांति के बारे में हमने जाना, 10 मई को स्टार्ट हुई थी, 12 मई को दिल्ली को कब्जा किया है, उस समय जो वाइस गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था, इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो पार्मिस्टोन लिबरल थे। और उनका ये जो 1857 की क्रांति हुई उसमें इन्होंने किसको नेता नियुक्त किया था, तो बहादुर शाह जफर को नियुक्त किया था। तो भारत की जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, ये क्या महान क्रांति थी लेकिन ये असफल रही। और यह क्रांति असफल क्यों रही उसके बारे में हम जानते हैं। इस क्रांति के असफल होने का मेन कारण क्या था, पहला पॉइंट क्या है, हमारे सैनिक क्या सैनिकों का अभाव था, हमारे पास जो सैनिक थे वो सैनिकों का अभाव था, क्या था सैनिकों का अभाव था। और क्या दूसरा पॉइंट रहा, दूसरा पॉइंट हम कह लें जो शिक्षित वर्ग के लोग इस क्रांति से दूर रहे। और तीसरा पॉइंट क्या रहा असफल होने का कारण, तीसरा पॉइंट क्या है, दक्षिण भारत के राज्य ब्रिटिश के लॉयल बने रहे। और कुछ जो सेना में थे, सेना में जैसे मान ली पठान सिख और गोरखा ये लोग क्या हैं, पठान की तमीन्स ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल बने रहे। और बाद में इनको क्या लोग कहें कि इनकी संख्या फौजों में बढ़ा दी गई, इनकी संख्या जो है सेनाओं में बढ़ा दी गई। तो ये लोग भी क्या है ब्रिटिश के लॉयल बने रहे। बाद में इस युद्ध के बाद या 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों में इनकी संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, सैनिकों में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो ये रहा हमारा जो 1857 की क्रांति थी उसको असफल होने का प्रमुख कारण। अब देखते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसका परिणाम क्या निकल कर आया, तो उसका पहला परिणाम निकल करके आया कि ब्रिटिश अब किसी भी भारत के राज्य पर क्या है आक्रमण नहीं करेंगे। पहला पॉइंट हो गया कि अब ये भारत के किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहा कि कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। और शासन किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तीसरा पॉइंट, भारतीय सैनिकों की सेना में संख्या
कम की गई, सैनिकों की संख्या कम की गई, सम की गई। चौथा पॉइंट, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या वृद्धि की गई, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या क्या किया गया, सैनिकों की संख्या वृद्धि की गई, सैनिकों की संख्या वृद्धि की गई, सैनिकों की संख्या में क्या किया गया, वृद्धि की गई, सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई वो उसके परिणाम क्या निकल के आए, तो अब ये ब्रिटिश जो है क्या है, भारत के किसी भी राज्य पर अब आक्रमण नहीं करेंगे और कंपनी के शासन के स्थान पर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यहाँ की जो बागडोर थी वो चली गई। भारतीय सैनिकों को सेना में क्या किया गया, संख्या में इनकी कमी की गई और ब्रिटिश के जो सैनिक थे उसकी इनकी संख्या में वृद्धि की गई, उनकी संख्या में वृद्धि की गई। तो ये रहा 1857 की क्रांति के जो परिणाम थे वो जाना हमने। फिर हम एक बार इसको देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो महान क्रांति हुई हमारे भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो कैसी रही, क्यों हुई। तो उसका प्रमुख कारण था कि राइफल्स का चेंज होना, राइफल्स, इनफील्ड राइफल्स का आना, उसमें जो गाय और सुअर के क्या लगे थे, चर्बी लगी थी, उसी के विरोध में हमारे सैनिकों ने इसका विरोध किया। और एक मंगल पांडे थे, वो क्या थे, एक सैनिक थे, कहाँ के सैनिक थे, तो बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे, बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने क्या किया था, 28 मार्च 1857 को विरोध किया था और अपने ही एंजुएंट को क्या किया था, मार डाला था, और जिसके एवज में उनको 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो दो प्रमुख कारण थे 1857 की क्रांति के, तो पहला ये, दूसरा ये था। और जो 1857 की क्रांति हुई उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ से होती है, 20वीं के लोग करते हैं और ये 10 मई को क्या है, वहां से कूच कर जाते हैं और दिल्ली में जाकर वहां पर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को क्या, अपना नेता नियुक्त करते हैं, अपना नेता नियुक्त करते हैं। ये कौन, तो यहां 1857 की क्रांति के लोग, या हम कह लें मेरठ को आज भी लोग क्या कहते हैं, क्रांति का शहर कहा जाता है आज भी। अब देखते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जो क्रांतियां हुई उसके जो भारतीय नायक थे और उसको ब्रिटिश के दबाने वाले लोग कौन थे, ये देख लेते हैं। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर, दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और कौन थे, बख्त खां थे। और उसको दबाने के लिए कौन थे, निक्सन एंड हडसन थे, निक्सन एंड हडसन थे। कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे। इसको दबाने के लिए कौन था, तो कैंपवेल था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसको दबाने के लिए भी कैंपवेल ही लगाए गए थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इसको दबाने के लिए हीरोज लगे थे और हीरोज ने क्या है, झांसी की रानी के बारे में कहा था, यह पूरे क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है, एक अकेली मर्द है। इलाहाबाद की संधि या इलाहाबाद की जो केंद्र थे वहाँ पे कौन, तो उसके विरोध में हमारे जो भारतीय मोर्चा संभाले थे लियाकत थे और इसके विरोध में कौन थे, नील थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर और विंसेंट आयर क्या थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, उसको दबाने के लिए लगाए गए थे, उसको दबाने के लिए लगाए गए थे, उसको दबाने के लिए क्या किए गए थे, तो उसको दबाने के लिए लगाए गए थे। अब देखते हैं फैजाबाद से कौन थे, अब्दुल्ला थे, उसको दबाने के लिए रेनर्ड लगाए थे, रेनर्ड लगाए गए थे। तो दोस्तों ये क्या रहा, इस पॉइंट में हमने जाना कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका प्रमुख कारण क्या रहा और जो उसके क्रांति का जो शहर था या फिर क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और जो अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र बनाए गए थे वहाँ पर भारतीय नायक कौन थे और उसको दबाने के लिए ब्रिटिश कौन कौन थे, तो ये इधर हमने इसको जाना। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ लोगों ने कुछ और कहा, कुछ कुछ कहा, तो क्या कहा, तो देखते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा, तो किसने कहा, बीडी सावरकर ने कहा, बीडी सावरकर ने कहा। और किसने ये कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, तो डिजराइली ने कहा यह क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और 1857 को किसने कहा, पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, तो किसने कहा, सीले ने कहा, किसने कहा, सीले ने कहा। और किसने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का क्या है, एक तरह से विद्रोह है, तो जेम्स आट्रम और डब्लू टेलर, जेम्स आट्रम और डब्लू टेलर ने कहा यह अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह था, जेम्स आट्रम और डब्लू टेलर, जेम्स आट्रम और डब्लू टेलर। और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई से की जाती है मेरठ से,
12 मई को कहां पर दिल्ली पर कब्जा किया जाता है, बहादुर शाह जफर को क्या किया जाता है, बहादुर शाह जफर को इसका नेता बनाया जाता है। इस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो पार्मिस्टोन लिबरल के थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पार्मिस्टोन लिबरल थे। अब देखते हैं इसके असफल जो 1857 की महान क्रांति हुई वह सफल ना हो सकी क्यों, उसके पीछे कई रीजन थे। पहले सैनिकों का अभाव रहा, उसमें शिक्षित वर्ग के लोगों का उसमें भागीदारी ना करना, दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो ब्रिटिश के लॉयल बने रहे, उनके वफादार बने रहे, और जो सेना में पठान सिख और गोरखा के लोग थे वो क्या थे, वो ब्रिटिश के लॉयल बने रहे, वफादार बने रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया, जिसके फलस्वरूप बाद में उनको सैनिकों में उनकी संख्या वृद्धि की गई। और 1857 की जो क्रांति थी उसका परिणाम क्या निकल करके आया, तो उसका परिणाम जो निकल करके आया भारत में राज्य, भारत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज जो कभी भारत के किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, और कंपनी के शासन को खत्म करके ब्रिटिश क्राउन ने उसको अपने हाथ में ले लिया, और भारतीय सैनिकों की सेना में कमी की गई, और भारतीय ब्रिटिशर्स की संख्या जो है सैनिकों में वृद्धि की गई। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या देखा कि 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति उसका प्रमुख कारण क्या था, वो कहाँ से शुरू की गई, और 1857 के जो अलग अलग क्षेत्र थे उसमें भारतीय कौन लड़ रहे थे, और विदेशों को दबाने वाले विदेशों से कौन था उसको दबाने वाला, ये हमने देखा। और 1857 की क्रांति के बारे में कुछ लोगों ने उसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया, इसको भी जाना। और 1857 की क्रांति के बारे में हमने कहाँ से शुरुआत की गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के, ये सब जाना। और उसके साथ ये भी जाना कि ये महान जो क्रांति हुई 1857 की असफल क्यों रही, और साथ ही साथ ये जाना कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद उस क्या परिणाम निकल करके आए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इस तरह की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।